ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो कनाडा स्टडी वीजा दोबारा एकदम से पिक कर गया है। स्टूडेंट रेगुलरली जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। क्यूबेक ने एक ऑप्शन दे दिया, प्लस आपका GIC जो है वो 8600 प्लस आपको वापस ही हो जाएगा। मतलब अंदर जो GIC रह जाएगा वो एक्चुअली 12000 है। तो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो होगी वो 20 लाख से नीचे नीचे भी रह सकती है या 20 लाख के आसपास रह सकती है कनाडा स्टडी वीजा को लेके। बट इसी के बीच में एक नया अपडेट कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से आया है। इमिग्रेशन मिनिस्टर ने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दी। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर लेटेस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। और सेकेंडली, हमारे इवेंट्स जो चल रहे हैं वीज़ा सेशन, जिसमें ये जो न्यू रूल्स चेंज हुए हैं इन्हीं को लेके ये सेशंस हैं आप लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। अप्लाई चाहे आप ब्रॉडवे से करें चाहे कहीं और से, बट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो टीम को कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। आज मैं रहूँगा बठिंडा ऑफिस, इसके बाद पटियाला, मोहाली और फिर हमारे हरियाणा वाले ऑफिस में मैं अवेलेबल रहूँगा। सो अपॉइंटमेंट आप टीम के साथ बना सकते हैं। कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है कि 2024 के अंदर कनाडा स्टूडेंट वीज़ा पे कहीं ना कहीं कैप कंसिडर हो सकती है। अभी ये नहीं कहा कि वो लगाएंगे, बट उन्होंने कहा कि हम इस ऑप्शन को कंसिडर करने लगे हैं। उसका रीज़न है हाउसिंग इशू प्रॉब्लम, अकोमोडेशन जो बहुत ज़्यादा है कई जगह पे, तो उसे लेकर कहीं ना कहीं कनाडा अपना कोई ना कोई कैपिंग सिस्टम बनाने के ऊपर है। अगर ये कोई कैपिंग सिस्टम बनता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो लिमिट्स है स्टूडेंट्स की वो कम होगी। लेकिन अल्टीमेटली जो कनाडा का भी टारगेट है कि एक साल में तकरीबन 1 मिलियन स्टूडेंट उनको लेके जाना है, तो वो भी ध्यान रखेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ना आए। तो आपके प्रोफाइल्स मैटर करेंगे। आप देख रहे हो जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है वीज़ा ट्रेंड बदल चुके हैं, हर एक को वीज़ा अब नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफाइल्स मैटर करने लगे हैं, आपका कोर्स सिलेक्शन मैटर करने लगा है, आपका कॉलेज सिलेक्शन मैटर करने लगा है, आपकी फाइल रिप्रेजेंटेशन मैटर करने लगी है। अगर इससे पहले चले जाए हम दिसंबर या उससे पहले 6 महीने तक, तो वीज़ा ऐसे था कि हर किसी को मिल रहा था। बट अब जनवरी में ये ऐसा होता नहीं दिख रहा, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, सिस्टम बदल रहा है। सो अपनी एप्लीकेशंस को, फाइल्स को ऐसे ही ना दे दें भीड़ चाल के अंदर, जैसे आपके किसी कज़न या फ्रेंड का वीज़ा कुछ दिन पहले आया होगा। अपनी फाइल्स को अब सोच समझ कर दें, अच्छे कोर्स सिलेक्शन के साथ दें, अच्छे कॉलेज सिलेक्शन के साथ दें, तभी आप अपना वीज़ा 100% सिक्योर कर सकोगे। सो कोटा सिस्टम या कैप सिस्टम अभी अप्लाई नहीं हुआ, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कंसीडरेशन। बट हो सकता है ऐसा हो भी, हो सकता है ना हो। एक एडवाइस मेरी है कि भाई अप्लाई टाइम से कर लो, ये ना हो कि आप लेट आओ और फिर ये कोटा सिस्टम वगैरह कुछ शुरू हो जाए। तो अभी समय है, राइट टाइम है, स्टार्ट योर एप्लीकेशन एज सून एज पॉसिबल। आगे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें फॉर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू। सत श्री अकाल दोस्तों, 2024 वीज़ा सैशन साल चढ़ते तीनों वड्डियां कंट्रीज अपने कानून बदल चुकिया ने, कैनेडा, UK, आस्ट्रेलिया। सो किदा हुण तुसीं अपना वीज़ा हासिल कर सकते हो 2024 दे विच, इस सैशन दे विच यही डिस्कस होएगा। इस सैशन च जरूरी नहीं है तुसीं साडे कोलों अप्लाई करो, अप्लाई उत्थे करो जिथे तुहाडा विश्वास है, पर इस सैशन अटेंड करो तां कि तुसीं सही कानून नूं समझ सको ते उहदे अकॉर्डिंग अपने डिसीजनस लै सको। टीम नू कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट्स तुसी दित्ती गई डेट्स दे अनुसार बना सकते। सो 8 जनवरी नू अमृतसर, 9 नू मिलांगे जलंधर, 10 तरीक नू गुरदासपुर, 11 नू जम्मू ऑफिस, 12 तरीक नू हुशियारपुर, 13 नू मोगा ऑफिस मिलांगे। सो 15 नू मिलांगे लुधियाने, 16 नू मिलांगे बठिंडे, 17 नू मिलांगे पटियाले शहर, ते 18 तरीक नूं मोहाली ऑफिस। इस तो बाद सैमीनार एंटर होगा साडे हरियाणे दे विच। सो 19 तरीक नूं अंबाले, 20 नूं मिलांगे करनाल, 21 नूं कुरुक्षेत्र, 22 नूं कैथल, 23 नूं दिल्ली होके फिर मिलांगे गुजरात 24 तरीक नूं। सो टीम नाल अपनी अपॉइंटमेंट अज ही फिक्स करो, कॉल करो 90238 90238। सो UK के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस मैंने दी हुई हैं कि एक स्टडी वीज़ा पे भी स्पाउस जा सकता है अगर आपके पास IELTS का स्कोर है, और दूसरा 10+2 स्टूडेंट सीधा फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में जा सकता है।
और एक गुड न्यूज़ और यूके की तरफ से आ चुकी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले चाहूंगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऑथेंटिक और रेगुलर इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े रहें। और उसके साथ साथ हमारे वीज़ा सेशन चल रहे हैं क्योंकि कैनेडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया तीनों ने 2024 में रूल्स चेंज कर दिए हैं। तो आपको फाइल्स कैसे लगानी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसे लेकर ये इन्फॉर्मेशन सेशन है। इसमें मेरा मकसद ये नहीं है कि आप मेरे से अप्लाई करो, अप्लाई चाहे दोस्तों आप कहीं से भी करो, बट ब्रॉडवे की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो दोस्त हमें फॉलो करते हैं, इतना प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं, उनको सही रास्ता भी दिखाते रहें। सो अब ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रॉडवे से अप्लाई करो, अप्लाई कहीं से भी करो, बट सही इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसे लेकर ये वीज़ा सेशन से टीम से कॉन्टैक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बना सकते हो। आज बठिंडा ऑफिस था, कल अब रहूँगा पटियाला ऑफिस, फिर मोहाली, अम्बाला एंड बाकी के हरियाणा ऑफिस में। सो यूके की तरफ से एक गुड न्यूज़ ये आई है कि जो यूके यूनिवर्सिटीज़ की एसोसिएशन है, उन्होंने अनाउंस किया है कि अब हम रिलैक्स हो जाएंगे अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को लेके, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। अब बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आने वाले दिनों में, अभी मैं मई इनटेक के लिए प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ 100%, बट सितंबर इनटेक के लिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ शायद थोड़ा बहुत आयल्स में भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी। जहाँ पर 55% चाहिए थे, अब शायद 50% में भी आपको एडमिशन मिलेगा। जहाँ प्लस टू के 60% चाहिए थे, वहाँ कहीं ना कहीं 55-50% के ऊपर भी एडमिशन मिलेगा। तो ये ऑप्शंस यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सप्लोर करनी शुरू कर दी हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो रूल्स चेंज हुए, कई बच्चे उससे डरे, कुछ एप्लीकेशंस कम हुई, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ को अपना जो कोटा है वो मेंटेन करके चलना है। तो उन्होंने कहा है कि हम आने वाले दिनों में एडमिशंस के लिए, स्टूडेंट्स के वीज़ाज के लिए उनके साथ फ्लेक्सिबल रहेंगे। और फ्लेक्सिबल ना सिर्फ वो कोर्स एडमिशन को लेके रहेंगे, बट बाद में भी जो स्टूडेंट को सपोर्ट चाहिए होगी उसके लिए भी रहेंगे, सो दैट स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूनिवर्सिटीज़ को जाए और यूके को जाए। इसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने 2012 में भी ओपन की थी, जब पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा बंद हुआ था पहले। अब तो बंद नहीं हो रहा, अब चल रहा है, बट जब बंद हुआ था तब यूनिवर्सिटीज़ ने स्पेशल प्रोग्राम निकाल दिए थे जिसमें बच्चा एक साल पढ़ता था और उसे एक साल का वर्क परमिट मिलता था। बट प्रेजेंटली ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली थिंग कि आपकी जो एडमिशन पॉलिसी है, क्योंकि स्पाउस नहीं जा सकता है, तो एडमिशन पॉलिसी को इस तरह से रिलैक्स किया गया है कि कहीं ना कहीं जो कपल्स हैं, अगर उनमें से कोई कम नीचे मार्क्स वाला भी बंदा है, तो वो दोनों भी एज ए स्टूडेंट वहाँ पर इस्टेब्लिश हो सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। विदाउट आईलेट्स भी यूके में पॉसिबिलिटीज़ हैं। स्पाउस के साथ अभी भी स्टडी वीज़ा पे जा सकते हो अगर आपके पास आईलेट्स है, और प्लस टू वाला स्टूडेंट सीधा फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में जा सकता है, मतलब उसे 3 साल नहीं पढ़ना पड़ेगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ब्रॉडवे टीम को कॉन्टैक्ट कर लें अगर आप भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू। सत श्री अकाल दोस्तों, 2024 वीज़ा सैशन साल चढ़ते ही तीनों वड्डियां कंट्रीज अपने कानून बदल चुकिया ने, कैनेडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया। सो किदा हुण तुसीं अपना वीज़ा हासिल कर सकते हो 2024 दे विच, इस सैशन दे विच यही डिस्कस होएगा। इस सैशन च जरूरी नहीं है तुसीं साडे कोलो अप्लाई करो, अप्लाई उत्थे करो जिथे तुहाडा विश्वास है, पर इस सैशन अटेंड करो ताकि तुसीं सही कानून नूं समझ सको ते उहदे अकॉर्डिंग अपने डिसीजनस लै सको। टीम नू कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट्स तुसी दित्ती गई डेट्स दे अनुसार बना सकते। सो 8 जनवरी नू अमृतसर, 9 नू मिलांगे जलंधर, 10 तरीक नू गुरदासपुर, 11 नू जम्मू ऑफिस, 12 तरीक नू हुशियारपुर, 13 नू मोगा ऑफिस मिलांगे। सो 15 नू मिलांगे लुधियाने, 16 नू मिलांगे बठिंडे, 17 नू मिलांगे पटियाले शहर, ते 18 तरीक नूं मोहाली ऑफिस। इस तो बाद सैमीनार एंटर होगा साडे हरियाणे दे विच। सो 19 तरीक नूं अंबाले, 20 नूं मिलांगे करनाल, 21 नूं कुरुक्षेत्र, ते 22 नूं कैथल, 23 नूं दिल्ली होके फिर मिलांगे गुजरात 24 तरीक नूं। सो टीम नाल अपनी अपॉइंटमेंट अज ही फिक्स करो, कॉल करो 90238 90238।